ओबे 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 आवाज निकल ले ओबे ओबे ये देखो शॉट हो रहा है निकल ले भाग रहे ओ भाई ओ भाई यार मस्ताना भाई जरा पब्लिक को बोल दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार ए निष्कात खान को सब्सक्राइब करो डे चू डे चू डे चू अबे अबे ये क्या गिफ्ट कर दिया तुमने अबे गधे का बच्चा कौन गिफ्ट करता है यार मैं गाय का बच्चा पालता हूँ गधे का बच्चा थोड़ी पालता बात ये है कि तुमने गधे के बच्चे पालने हैं उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया अब तुम ही उसको पालोगे पसंदी पाल ले सब पाल लिया तो ये भी पालो भाई अबे गधा कौन पालता है अपने घर में है गधा भाई अबे यार लोग पता नहीं क्या क्या गिफ्ट कर रहे हैं ये दो भाई आए इन्होंने कहा मिस्कात भाई आप सारे के सारे जानवर पाल लेते हो जिनकी माँ उनको छोड़ दिया आप पाल लेते हो तो आप गधे का बच्चा भी पाल लो अबे भाई मैं नहीं पाल सकता यार गधे का बच्चा पालना पड़ेगा उसका रीजन मैं आपको बता सकता हूँ उसका रीजन खास तौर पे ये है कि आपने पसंदी पाली आपने सारे जानवरों का ठेका उठाया हुआ तो आपने इस वाली जानवर लोग भी पता नहीं क्या क्या गिफ्ट कर रहे हैं ये वाला गधे का बच्चा है अरे नहीं 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 ये वाला नहीं अबे तो इसकी माँ इसके साथ है अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात भाई बहुत बड़ा एक मसला हो गया यार ये दो फैन मेरे घर पर आए बोल रहे हैं मिस्कात भाई आप सारे जानवरों का ठेका लेते हो आपने बसंती भी पाल ली अब हम आपको देते हैं बहुत प्यारा सा गिफ्ट मैंने सोचा हो सकता है कोई शेर का बच्चा बच्चा दे दे बोल रहे मिस्कात भाई आपके लिए गिफ्ट है गधे का बच्चा अब गधे का बच्चा कौन पालता है यार देखो गधे का बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है अपनी माँ के साथ है देखो माँ के साथ ना बच्चा प्यारा लगता है माँ के बगैर जो ना बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन वो जो बच्चा फैन ने हमें दिया ना उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया था और ये वाला माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है माँ के साथ साथ घूम रहा है यार और दोनों ना बिल्कुल एक ही कलर के माँ भी भाग रही है बच्चा भी भाग रहा है माशाल्लाह यार भाई गटर का पानी पी रहा है तो बच्चा गंदा पानी क्यों पी रहे हो तो मैं साफ सुथरा पानी पिलाऊंगा भाई मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ कि गधे का बच्चा है कैसा ये चेक करो दो गधे के बच्चे बैठे हुए एक जो है ना छोटा है एक बड़ा है हाँ भाई कौन से वाला गधे का बच्चा ये वाला देखा जाए तो ये वाला गधे का बच्चा है अच्छा वो बड़ा है ये कब से बैठ के नोट कर रहा हूँ कितना खूबसूरत जानवर है सही है और तुम लोग इसका नाम ले लेके मजाक उड़ाते तो लाना थे तुम लोगों की शक्ल पे यार वैसे माशाल्लाह कितना प्यारा है यार ये गधे का बच्चा माशाल्लाह ये बाल देखो मतलब गधे को हम लोग कितना बुरा समझते हैं कि गधा गाली भी देते हैं अबे गधे के बच्चे लेकिन यार वैसे गधा माशाल्लाह देखने में कितना प्यारा होता है यार ये माशाल्लाह चेक करो ये वाला बच्चा हमें गिफ्ट किया है भाई तुम लोग पाल लो यार इसको मुझे छोड़ो यार मैं बसंती पाल रहा हूँ ना बसंती नाराज हो जाएगी मैं इसको पाल लूँ बहुत अबे यार क्या एक दूसरे को गालियां दे रहे हो यार ये गधे का बच्चा यार मैं मुझे ना एक्सपीरियंस है गधे के बच्चे का उसामा भाई तुम पाल लोगे गधे का बच्चा यार मैं यार मेरे पास तो बसंती है ना अगर मैं इसको लूंगा ना बसंती नाराज हो जाएगी बसंती बोलेगी मेरे साथ गधा बांध दिया तुमने मैं तैयार हूँ इसका बाप बनने के लिए अरे कहना क्या चाहते हो तो इसके साथ इसकी माँ भी चाहिए होगी तो माँ की अरेंजमेंट तुम करो ना यार एक काम करते हैं हम लोग लगे हाथ जो ना यहाँ से गधी भी खरीद लेते हैं हाँ। ताकि इनका भी फायदा कुछ हो जाए भाई आपके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की अनाउंसमेंट है गधे का बच्चा हमें मिल चुका है गधे का बाप भी हमें मिल चुका है अब गधे की माँ ढूंढनी है सिर्फ आओ फटाफट गधे की माँ ढूंढते हैं अरे गधे की माँ मिल गई सामा की बीवी मिल गई अरे तेरी बीवी मिल गई कुंवारी चाहिए कुंवारी वो शादीशुदा है तो देखो उसको मेरे वाले बच्चे को पहला प्यार नहीं मिलेगा उसका वैसी दूसरा बच्चा है ये व्हाइट वाली गधी चाहिए व्हाइट वाली भाई लेकिन ऐसे नहीं मिलना पहले निकाह कराएंगे हम तुम्हारा इससे सही है भाई समझ आ गया उसामा भाई को ना काली लड़कियां नहीं पसंद उसामा भाई को गोरी पसंद है ये देखो व्हाइट वाली गधी उसामा भाई को पसंद आ गई है इससे उसामा भाई का निकाह करा देते हैं भी मोटी मोटी जो है ना चिट्टी वो होती है ना चपी टाइप रहा नहीं जाता आ जाओ पढ़ाओ निका अबे वो भाग रही तुझे देख के वो तो पागल हो गया सामा उसके पीछे अबे कुत्ता भी पीछे आ गया अबे ये कौन से इलाके में आ गए गधे कुत्ते वुत्ते सब कुछ है यहाँ पर तो दुल्हन की गैर मौजूदगी में निकाह पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दुल्हन जो है वो दूल्हा को देख के घबरा रही है क्योंकि दूल्हा जो है ना उसकी शक्ल पे इतनी ज्यादा फिटकार है कि दुल्हन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही लेकिन कुछ लड़कियों की जबरदस्ती शादी हो जाती है तो ये मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद है ये फौरन से निकाह पढ़ाएंगे अभी दूल्हा हमारे साथ मौजूद है अभी से ये इतना भाग रही है बाद में मुझे कुछ करने भाई शादी के बाद लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मुफ्ती साहब इसका किसी से अफेयर वफेयर तो नहीं है चले भाई निकाह की तकरीब शुरू करते हैं दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जा रहा है अरे भाई साहब चलो तुम जाली मुल्ला हो यार मैं असली मुल्ला हूँ उसामा गधे का निकाह मोहतरमा गधी साहिबा से 50,000 किलो घास 2 किलो चौकर 5 किलो भूसा के एवज सिक्का रायजुल वक इन तलब के मैंने आपके साथ किया क्या आपने गधी साहिबा को अपने निकाह में कबूल किया यार मैं एक शर्त पे कबूल करने को तैयार हूँ अच्छा शर्म आ रहा है कैमरे के सामने शर्म आ रही है ये रहा नहीं जाता कान में बोल दो कान में कबूल है एक और दफा कबूल है एक और दफा
ओए निकालना, ओए निकालना, ओए निकालना, सब अगर निकालोगे मुबारक हो, मुबारक हो, ओए छुआरे बाटे, छुआरे बाटे, ओए छुआरे बाटे। वैसे यार माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म का गधे का बच्चा है। इसके सर पे जो बाल है ना, ये आप चेक करो यार, इतने प्यारे फ्लफी फ्लफी बाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। साहब भाई कितने दिन का होगा ये? आपको पता है इसकी पूरी कहानी? क्या कहानी? जब ये पैदा हुआ ना, हाँ, तो इसने 10 दिन अपनी माँ का दूध पिया। अच्छा। फिर इसकी माँ पे ट्रक चढ़ा है बकायदा। अच्छा। और इसकी माँ मर गई। जब ही मैं इसको देख रहा था कि इसको जो है ना बेचारे को माँ की मोहब्बत नहीं मिली। तो ट्रक कैसे चढ़ गया माँ पे? बीच रोड में बैठी हुई थी। अच्छा। ट्रक चढ़ गया, मर गई। मर गई ना, जब भी तो मैं देखे ना आप, इसकी आंखों में आंसू है। वैसे ये सैड सैड लग रहा है। वो वाला बच्चा ना बहुत ज्यादा एक्टिव लग रहा था, ये इतना एक्टिव लग नहीं रहा। और ये गधों में ऐसा होता है इनकी माँ में कि अपने बच्चे जो है ना अपने साथ लेके फिरती हैं। जरा सा भी आप उनके पास जाओगे तो बकायदा लात मारती हैं। अच्छा। तो यही इसका दर्द बैठ के अपने दर्द के साथ बांट रहा था कि यार गधों को हमारे मुल्क में इज्जत क्यों नहीं दी जाती। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, गधे जो है ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो गधे हुआ करते थे, एक का नाम उफैर था, एक का नाम याफूर था। और वो इतने पालतू गधे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनको कभी काम भी दिया करते थे कि यार इस सहाबी को बुला के ले आओ। तो वो गधा भागता हुआ जाता था और उनके गेट पे टक्कर मारता था, टक्कर मार के जो है ना वो उन सहाबी को बुला के लाता था। मतलब इतने ज्यादा ताबेदार गधे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि वो गधों पे सवारी किया करते थे। यानी हम इसको पाल सकते हैं? बिल्कुल पाल सकते हैं। और ये काफी शरीफ जानवर होता है, बहुत लविंग जानवर होता है। ये देखो ना कितना प्यार कर रहा है, उसामा भाई के करीब आ गया। जैसे मेरी बसंती मेरे करीब आती है ना, उसामा भाई के करीब गधा आ रहा है। फिर आप इस बेचारे गधे को शर्मिंदा कर रहे हो गधा बोल बोल के। यार तो फिर एक काम करते ना उसामा भाई, इसका प्यारा सा नाम रख लेते हैं। सही है, इसका कोई प्यारा सा नाम बता दो। जैसे आपने बसंती नाम रखा था ना, ऐसे इसका कोई प्यारा सा नाम बता दो। अभी मैंने नोट करा है कि इसके अंदर जो है ना मस्ती बहुत है। मस्ती कहाँ है, शरीफ सा तो है। नहीं नहीं, आप जब गए हो तो बड़ी मस्ती कर रहा था। ये रस्सी तो खोलो, इसकी रस्सी खोलो ताकि हम देखें इसकी मस्ती। मेरे हिसाब से तो बड़ा शरीफ गधा है उसामा भाई, कह रहे इसके अंदर मस्ती बहुत है। जरा इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर मस्ती है या नहीं है। वो तो निकल गया। अबे उस्ताद वो तो शॉर्ट हो गया। अबे उस्ताद, अबे वो भाग रहा गधा। अबे उसामा भाई सही बोल रहे थे, बहुत मस्ती है इसके अंदर। अबे ये चेक करो, ये देखो शॉर्ट हो रहा है, निकल रहा है, भाग रहा है। ओ भाई, ओ भाई, अबे इतना छोटा सा बच्चा भाग रहा है गधे का। अबे सही बोल रहे यार, मस्ती बहुत है इसके अंदर। इसका नाम रखेंगे मस्ताना। मस्ताना भाई, इसका नाम है मस्ताना। जैसे हमारी प्यारी सी बसंती है, ऐसी गधे के बच्चे का नाम है मस्ताना। ये चेक करो भाग कैसे रहे भाई, फुल शॉर्ट होने की कर रहा है उस्ताद। ये सांस फुला दी तुमने मेरी। भाई हमारे जानवरों के कलेक्शन में एक नया इजाफा हुआ है, वो है मस्ताना। भाइयों जैसे हमारी बसंती ब्रांड बन गई थी ना, इंशाल्लाह ये गधे का बच्चा, बल्कि गधे का बच्चा मैं अंडा इसको नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा मस्ताना। ये मस्ताना भी इंशाल्लाह ब्रांड बनने वाला है और आपका भाई मस्ताने को लेके पूरी दुनिया घुमाएगा। ऐसे माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा है ना, माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारा हमें गिफ्ट दिया। मैं समझ रहा था आप मुझे शेर का बच्चा देंगे, लेकिन आपने मुझे गधे का बच्चा दिया यार। ये क्या हो गया? ये सोनू भाई है। अबे सबके बच्चे हमारे पास जमा हो रहे हैं उस्ताद, पहले गाय का बच्चा, फिर गधे का बच्चा, अब कुत्ते का बच्चा। वैसे माशाल्लाह कितना प्यारा है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दुम कैसे हिला रहा है ये। चलो भाई फाइनली हम लोग मस्ताना को गाड़ी में डाल रहे हैं, जैसे हम बसंती को अपनी डिग्गी में डालते हैं, अब ये हमारा मस्ताना हमारी गाड़ी में आएगा। मतलब गाड़ी से गधे की खुशबू भी आ रही होगी, गाय की खुशबू भी आ रही होगी, कुत्ते की भी आ रही होगी, मतलब सारी खुशबूएं मिक्स हो रही है। कोई बात नहीं, चलो भाई फाइनली वक्त आ गया कि मस्ताना की लोडिंग करते हैं अपनी गाड़ी में। जैसे हम बसंती की लोडिंग किया करते थे अपनी गाड़ी में, ऐसी आज हम मस्ताना की लोडिंग करेंगे। चलो भाई मस्ताना फटाफट। अबे है भी इतना हल्का माशाल्लाह से यार। ये आप चेक करो भाई, हमारा मस्ताना आ चुका है गाड़ी के अंदर, के लिए जगह काफी ज्यादा है अंदर वैसे माशाल्लाह। फाइनली चलो भाई बंद। हमारी गाड़ी ने क्या क्या मंजर देख लिए यार, मतलब पहले बसंती हमारी गाड़ी में आया करती थी, अब हमारा प्यारा सा मस्ताना हमारी गाड़ी में। आपने ऐसा मंजर पहले कभी देखा है, मतलब गाड़ी के अंदर गधा? अभी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे एक हैरान सी हो रही है कि यार यहाँ पे गधा क्या कर रहा है। क्या गधा गधा लगा रखा है, मस्ताना नाम है इसका। हां ओए गधा नहीं बोलो, गधा नहीं बोलो। ओहो भाई, भाई ओए भाई, उसका का बच्चा बन जा, गधे का बच्चा नहीं। नहीं नहीं नहीं, है वो बिल्कुल भाई, वो गधे के अब्बा है ना, नाराज हो जाते हैं, इसलिए इसको ना मस्ताना बोलना सिर्फ सही है। मस्ताना हुआ दीवाना हुआ। ओबे ओबे आवाज निकाल ले। ओबे ओबे ओबे, ये तो यार बड़े गधे वाली आवाज निकाल रहा है तुम। यार मस्ताना भाई जरा पब्लिक को बोल दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार। भाई निशात खान को सब्सक्राइब करो, डे चू डे चू डे चू। यार ये भी बोल दो इंस्टाग्राम पे फॉलो करे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डे चू डे चू डे चू। भाई आपके भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं माशाल्लाह, मतलब आप लोग दुआ करें यार जल्दी से 1 मिलियन हो जाए। तकरीबन 9 लाख के करीब तो हो गए, मतलब आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी यार, इतना प्यार दिया ना,
कि मतलब मिशकात खान की कोई हैसियत ही नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने इतनी इज्जत दे के मिशकात खान को 1 मिलियन तक पहुंचा दिया। तो भाई जल्दी से फटाफट पहुंचा दो, क्योंकि 1 मिलियन तक भी हमें रुकना नहीं है, हमें जाना है मतलब गोल्डन बटन, सिल्वर बटन में चाहिए, डायमंड, प्लेटिनियम, जो भी होता है ना, जो बुर्ज खलीफा बटन जो भी है, वो सारे के सारे हमें चाहिए। पहली फुर्सत में निकल। मस्ताना भाई, मजा आ रहा है भाई तुम्हारा ना, इतना ख्याल करेंगे हम लोग, इतना मतलब तुम्हारी ऐसी केयर करेंगे ना, और तुम्हें खिला खिला के ना मैं मोटा कर दूंगा फुल, मतलब तगड़े गधे हो जाओगे, मतलब तुम गधे लगोगे नहीं, सही है, तुम्हें घोड़ा बना दूंगा मैं, क्या बोलते हो यार? मतलब आपके भाई को ना इससे भी मोहब्बत हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपके भाई को बसंती से मोहब्बत हुई थी ना, मस्ताना भी इतना प्यारा है यार, मतलब अलग ही लेवल है इसके अंदर, पता है इसके अंदर एक गरमाइश नजर आ रही है, अब ये पता नहीं गधा है गधी है, लेकिन गधी है ये, गधी गरमाइश है। वैसे यार माशाल्लाह इसके बाल आप चेक करो, इतने फ्लफी फ्लफी बाल है, और क्या खूबसूरत है यार इसको, मतलब आपका भाई नहलाएगा ना जब साफ सुथरा करेगा तो इतना प्यारा लगेगा, बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि वो नहीं होते बच्चों के जो खिलौने होते हैं प्यारे प्यारे, जो बेयर्स होते हैं जिनके बाल निकले हुए होते हैं, उस तरह लगेगा यार। तो यार ये देखो चूम रहा है, मुझे चूम रहा है, अबे काट रहा है, वही काट रहा है मुझे, इसके कान ना इतने प्यारे हैं, ऊपर ना छत से टकरा रहे हैं, चेक करो इसको, वहाँ उस तरफ करेंगे ना सही आ जाएगा, इस तरफ रहो बेटा आराम से सुकून से। चलो भाई मस्ताना भाई, हम लोग खाना खा के आ रहे हैं, जब तक आप गाड़ी में बैठो, सही है, शीशे हमने थोड़े थोड़े नीचे कर दिए ताकि इसको एयर आती रहे, कितने अंदर शीशे ना हमने खोल दिए गाड़ी के। चलो भाई फाइनली खाना आ चुका है, ये है पुलाव, ये है बिरयानी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का, आपने बहुत एहतमाम किया। वैसे उस्ताद ये जो बोटी होती है ना ये वाली, अरे उस्ताद पिंग पिंग बोटी निकल रही है अंदर से, आ हा हा। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया है, तो भाई नबील भाई और हुज़ैफ़ा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मस्ताना गिफ्ट किया भाई, इनका भी बहुत अच्छा चैनल है नबील रिजवान के नाम से, आप लोग जाएं और सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें, इन लोग का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, फटाफट जाओ और सब्सक्राइब करो, सही है भाई आपका भाई कह रहा है ना कर दो। मस्ताने का ना पूरा का पूरा हमने कमरा बना दिया जबरदस्त किस्म का, यहीं पर ये चारा खाएगा, यहीं पर पॉटी पिशी करेगा, बाकी मस्ताने का ना एक बड़ा सा माशाल्लाह से कमरा हमने पूरा वर्क कर दिया। तो भाई उम्मीद है आज के ब्लॉग में आपको बड़ा मजा आएगा, अगर मजा आया तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और कॉन्टेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।